नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारीक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन। भाइयों, आज हम आए हैं बजीज पैरेट की ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने। जी हां भाइयों, बजीज पैरेट की ब्रीडिंग प्रोग्रेस और साथ में जो है कुछ बजीज पैरेट के पट्टे भी निकले हुए हैं जो कि अच्छी तरीके से फ्लाइंग भी करने लग गए हैं और जो है अच्छी तरीके से दाना पानी भी खाने लग गए हैं, तो उन्हें भी जो है मैं अलग कर लूंगा। और ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो है वो हमेशा की तरह एक नंबर बॉक्स से शुरू करेंगे और सबसे पहले हम 20 ब्रीडिंग बॉक्स कवर करेंगे और उसके बाद हांडियों की ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखेंगे। भाइयों, मैंने पूरी कोशिश की है कि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, वीडियो को पूरा देखें। तो एक नंबर ब्रीडिंग बॉक्स में देखते हैं सबसे पहले, तो इसके अंदर जो है वो फीमेल बैठी है, पता नहीं अंडे है या नहीं है। मेरे हिसाब से जो है अंडे देने वाली है ये फीमेल। और अब जो है वो दो नंबर ब्रीडिंग बॉक्स में देखते हैं, इसमें जो है वो फीमेल ने एक अंडा दिया है और भी जो है रेगुलर अंडे देगी। और अब जो है वो तीन नंबर ब्रीडिंग बॉक्स में देखते हैं, तो इसमें भी जो है वो फीमेल बैठी है और देखते हैं कि कितने अंडे हैं। तो इसके अंदर आप जो है वो अंडे देखें, मेरे हिसाब से इसमें जो है कुछ अंडे खराब हो गए होंगे। भाइयों, अब यहाँ पे आके सवाल ये खड़ा होता है कि जब अंडे खराब हो तो कैसे पता लगाएं और उन्हें जो है कैसे अलग करें। भाइयों, 25 से 30 दिन में अगर जो है वो बच्चे ना निकले इसका मतलब जो है वो अंडे खराब है। तो मेरे हिसाब से इसमें से आधे अंडे खराब होंगे और आधे सही होंगे। अब 4 नंबर जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स में देखते हैं, इसके अंदर भी जो है वो अंडे पड़े हुए हैं और फीमेल अंदर नहीं है। अब 5 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर देखते हैं, वाओ ब्यूटीफुल, इसके अंदर जो है वो बच्चे हैं, ये आप देखें, आप बच्चों का कलर देखें और इसमें जो है वो दो बच्चे रेड आईज है, वाइट रेड आईज, ये आप देखें ये दोनों बच्चे जो है वाइट रेड आईज है। तो इन दोनों को जो है वापिस डाल देते हैं अंदर। और इसके अलावा जो तीन बच्चे हैं ये तीनों जो है वो पाइट के हैं, येलो कलर के पाइट हैं और ये भी जो है काफ़ी ब्यूटीफुल कलर है। तो आप देखें, 6 नंबर में कुछ नहीं है, 7 नंबर के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो है एक बच्चा है। इसके जो 7 के बच्चे हैं वो बाहर आ चुके हैं, तो ये भी जो है वो कुछ टाइम में बाहर आने वाला है, 2-3 दिनों में, ये आप देखें, बच्चा काफ़ी हेल्थी है। अब 8 नंबर के अंदर देखते हैं कि इसमें क्या है, तो इसमें जो है एक तो फीमेल बैठी हुई है, हो सकता है जो है इसने अंडे दिए हैं, नहीं जो है ये अंडे देने वाली है। और अब जो है वो देखते हैं 9 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर, इसमें आप देखिए जो है एक मादा बैठी हुई है और ये जो अंडे हैं इसके नीचे जो काले वाला जो आपको अंडा दिखाई दे रहा है, तो ये जो है वो जब बच्चे थे तो उसके 7 के अंडे हैं जिनमें से बच्चे नहीं निकले, तो इन अंडों को जो है हटा देते हैं, तो ये मादी जो है वो दोबारा अंडे देगी, तो इसके सारे बच्चे बाहर आ चुके हैं। तो इन बॉक्स के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो है वो कुछ नहीं है और इसके अंदर मुझे जो है वो मादा अंडों पे बैठी दिखाई दे रही है और एक बच्चा जो है वो दिखाई दे रहा है। आप बच्चा भी देखें, ये भी जो है बच्चा तैयार हो चुका है। भाइयों, जैसा कि मैं आपको जो है वो हर वीडियो में हमेशा बताता हूँ कि जो बजरी तोते हैं ये जब बच्चे निकलते हैं उससे पहले ही जो है वो दोबारा अंडे दे देते हैं। ज़्यादातर मादियाँ ऐसी होती है जो कि दोबारे पहले ही अंडे दे देते हैं। और एक बच्चा जो है ये बेटा आप देख सकते हैं, और 16 नंबर के अंदर जो है वो एक अंडा पड़ा हुआ है, ये आप देखें 16 नंबर के अंदर। और जो 17 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स है इसके बच्चे बाहर आ चुके हैं और मैंने इस तरीके से जो है बुरादा डाल दिया है। इसी तरीके से मैं जो है 9 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर भी जो है बुरादा डाल दूंगा।
ये आप देखें। और अब जो है 18 नंबर के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर जो है मुझे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, दो बच्चे जो है इसके अंदर है। तो इसके अंदर जो है वो फीमेल बैठी है, और इसके नीचे जो है अंडे पड़े हुए हैं। फीमेल का कलर मुझे काफी अच्छा लगता है इस फीमेल का। तो अब जो है 20 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर भी जो है मैंने बुरादा डाल दिया था बच्चों के बाहर आने के बाद। अब जो है वो इन चार ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर देखते हैं कि क्या है। शुरुआत जो है वो 10 नंबर से करते हैं, तो इसके अंदर जो है फीमेल ने अंडे दे दिए हैं। अब 11 नंबर के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो है वो फीमेल अंडों पे बैठी हुई है। अब जो है वो 12 नंबर के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर भी जो है वो फीमेल बैठी हुई है आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर जो है मेरे हिसाब से फीमेल जो है अंडे देने वाली है। और अब जो है वो 13 नंबर के अंदर देखते हैं, ये आप देखें मुझे जो है वो बच्चा दिखाई दे रहा है। तो इसके नीचे जो है वो देखते हैं कितने बच्चे हैं। और ये आप देखें जो है अंडों को इस तरीके से जो है अपने ये नीचे ले लेते हैं और किनारे जो है वो बैठ जाते हैं। और जब तक जो है वो सभी अंडों में से बच्चे ना निकले या फीमेल को ना लगे कि जो है अंडा ख़राब है, तब तक जो है वो उसके ऊपर बैठी रहती है। सभी ब्रीडिंग बॉक्स की तो प्रोग्रेस देखी है, लेकिन अभी तक आंडियों की ब्रीडिंग प्रोग्रेस बाकी है, तो आंडियों की भी जो है ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखेंगे। तो इसके अंदर आप देखिए जो है फीमेल अंडों के ऊपर बैठी है, कितने अंडे हैं वो देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बैठी है जो है वो अंडे हैं इसके नीचे, तो ये फीमेल जो है वो हट नहीं रही है। तो ये आप देखे जो है अंडे दिखाई दे रहे हैं और एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है। तो बच्चों के भी निकलने की शुरुआत हो चुकी है, तो इसे फीमेल को साइड में रखते हैं। ये आप देखे मुझे जो है 6 अंडे और एक बच्चा दिखाई दे रहा है। अब 22 नंबर के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर भी जो है वो फीमेल बैठी हुई है और कितने अंडे हैं वो देखते हैं। ये जो है मादियां जो है हट नहीं रही है, तो इसके अंदर भी आपको जो है वो बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। 3 के करीब जो है वो बच्चे हैं और 2-3 के करीब अंडे दिखाई दे रहे हैं। 2 अंडे हैं और 3 बच्चे हैं, फिर भी आप सही तरीके से देखें। तेईस नंबर खाली है और 24 नंबर के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो है फीमेल बैठी हुई है, देखते हैं क्या अंडे हैं या नहीं है। इसके अंदर 2 अंडे हैं, और ये जो पीले पड़े हुए हैं ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब अंडे जो होते हैं वो अंदर ही अंदर सूख जाते हैं, और उसके बाद जब वो फूट जाते हैं तो इस तरीके का जो है वो निकलता है। अब 25 नंबर के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर 2 अंडे हैं और ये दोनों अंडे ख़राब हैं। अब देखते हैं 26 नंबर के अंदर, तो इसके अंदर आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं और जो नर है वो अंदर ही बैठा है। ये आप नर का कलर देखें। 5 के करीब बच्चे दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है 6 बच्चे भी हो। ये आप देखें,
जो है वो नर अंदर आया हुआ था फीड करवाने के लिए, तो अब इसे जो है वो बंद कर देते हैं। अब इसके नीचे वाली में देखते हैं कि क्या है। तो इसके अंदर आपको फीमेल बेटी दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर आप देखें अंडे हैं और 6 अंडे हैं। भाइयों नॉर्मली जो फीमेलें होती है वो 6 से 7 अंडे देती है। अब 28 नंबर के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर कुछ नहीं है, और इसके अंदर जो है फीमेल बैठी हुई है। और 30 नंबर के अंदर जो है वो बच्चे हैं। ये आप देखें भाइयों, इसके अंदर बच्चे हैं और बच्चों का कलर देखें, ये क्रीम वाला कलर तो जो है वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो आपको जो है वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। भाइयों जो है वो वीडियो थोड़ा सा लंबा बना है क्योंकि जो है हमने सारे हांडी और बॉक्स कवर किए हैं और सभी की मैंने आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाई है। पहले मैंने आपको 20 बॉक्स की बताई और उसके बाद 10 हांडियों की बताई। और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल के साथ जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आप चैनल के सदस्य बन जाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।